फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ले, जिसे बनाना बहुत ही इजी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सूजी के रसगुल्ले बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं: एक कटोरी बारीक सूजी। फ्रेंड्स, ये हमने घर पे मोटी सूजी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, आप चाहे तो मार्केट से बारीक सूजी भी ले सकते हैं। 3 चम्मच पीसी हुई चीनी, इसे हम रसगुल्ले बनाने में डालेंगे। 1 चम्मच देसी घी, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स में लिया है हमने थोड़े से बादाम कटी हुई, थोड़े से चिरौंजी, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से काजू। चाशनी बनाने के लिए लिया है हमने 1 कटोरी चीनी। ये हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है। फ्रेंड्स, जिस कटोरी से हमने सूजी ली है उसका 4 गुना हमने दूध लिया है। अब गैस में हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हम दूध डाल देंगे और दूध में हम पहले उबाल आने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूध अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम घी डालेंगे, चीनी का पाउडर, अब इसे हम हिला लेंगे। अब इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी फ्रेंड्स हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब भी आप सूजी दूध में डालें तब गैस की आंच बिल्कुल लो पे कर दें और उसके बाद आप उसे मीडियम पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप सूजी डालें तब उसको गैस की आंच को बिल्कुल लो पे रखें। अब इसे हम मिलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें टेस्ट के लिए खोया या मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसे ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो। अभी हमारा बन चुका है, इसे हम किसी प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम एक बर्तन में चाशनी बना लेंगे। हमने इसमें 1.5 कटोरी पानी लिया है। जिस कटोरी से हमने चीनी ली है उसी कटोरी से हमने 1.5 कटोरी पानी लिया है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, इलायची पाउडर डालेंगे हम इसमें, अब इसे हम मीडियम फ्लेम में बनने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी में हमारी चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसे हम 2-3 मिनट ही सिर्फ पकाएंगे और उसके बाद गैस बंद कर देंगे। हमें इसमें तार नहीं लेना है, इसलिए हमें बिना तार के चाशनी बनानी है। और जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम हमारे रसगुल्ले बना लेंगे। हमारी सूजी ठंडी हो चुकी है, अब इसके हम रसगुल्ले बना लेंगे। हाथ में हमने चिकनाई लगा ली है। अब इसमें हम सूजी लेंगे थोड़ी सी और इसके रसगुल्ले बनाएंगे। इस तरीके से इसे चपटा करके इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट अनुसार जो आप ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हो वो आप ले सकते हो। इसे इस तरीके से कवर करके हम गोल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे रसगुल्ले बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे रसगुल्ले बन चुके हैं। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। अब हम रसगुल्लों को चाशनी में डाल देंगे करके। अब इसे हम चाशनी में 5 मिनट पकाएंगे ताकि हमारे जो रसगुल्लों में चाशनी का रस अच्छे से चला जाए और वो अच्छे से स्पंजी हो जाए। अब इसे हम ढक देंगे और तेज आंच पे 5 मिनट पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं और हमने गैस भी बंद कर दिया है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने रसगुल्ले को
एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट गार्निश करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पंजी बने हैं, हम आपको दिखा भी सकते हैं। हमने एक रसगुल्ला अलग से भी रखा है, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।